हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एंटरटेनमेंट चैनल। आज मैं टाइगर 3 के टीजर का रिव्यू करूंगा जो थोड़ी देर पहले ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। लेकिन टीजर का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। टाइगर 3 को जो है वो डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, जो इससे पहले बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। यशराज बैनर के अंदर की फिल्म जो है वो बन रही है। टाइगर 3 के टीजर को मैं देख के एक ही बात बोलूंगा कि एक्सीलेंट, और ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। जितनी भी सलमान खान की पिछली फिल्में हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ेगी टाइगर 3। टीजर को देख के एक चीज़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्शन सीन इसमें आपको भर भर के मिलने वाले हैं, और एक्शन सीन बहुत ज़बरदस्त किस्म के होने वाले हैं, जिनकी कोरियोग्राफी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो की गई होगी। और ये फिल्म जो है वो दिवाली पर रिलीज होगी। इस फिल्म से सलमान खान का कमबैक कंफर्म है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट हिट होने वाली है सलमान खान के कैरियर की। टीजर की बात करें तो सलमान खान जिन्होंने रॉ को जो है 20 साल दिए हैं, वही रॉ जो है उनको अब गद्दार साबित करने पे तुली हुई है, और उसी चीज को उन्होंने जो है वो प्रूव करना है। तो सब्जेक्ट तो काफी अच्छा लग रहा है फिल्म का। फिल्म जो है वो दिवाली पर रिलीज की जाएगी, नवंबर में आएगी फिल्म 2024 में। अब फिल्म देखते हैं कि कैसी होगी, और उससे पहले ट्रेलर जब आएगा तो उसका भी रिव्यू करेंगे। अगर आपको टीजर का रिव्यू पसंद आया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले रिव्यू में।